पहले इनके सवाल का सुनिए जवाब। सुनिए जावेद सुनिए, देखिए मैं कह रहा हूँ, हमारे मित्र ने कहा कि आलोचना करना चाहिए और आलोचना को ये लोग स्वीकारते नहीं, मैं कह रहा हूँ हम सनातन को मानते हैं। सुनिए भाई, अरे आप सुनिए, मैं तो वही कहने जा रहा हूँ, हम तो कहने जा रहा हूँ। देखिए हिमांशु जी, इनको चुप कराइए, सुनिए। देखिए एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए, मोदी जी ने क्या किया, विकास को साधा। मोदी जी ने गरीबों को उजाला दिया, गरीबों को उज्ज्वला दिया, और जो सनातन को भूमिका बना रहे हैं, सुन लेते जावेद भाई, सुन लेते, मंदिर बनाया। निश्चित तौर पर उन गरीबों से पूछिए जिनके को छत नहीं था, अगर उनको आवास मिलेगा, उनका धर्म केवल मुस्लिम नहीं है, उनका धर्म हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई है, जब उनको आवास मिला तो मोदी जी के साथ हो गए। जो कभी अमीरों की शान कही जाने वाली बिजली अगर गरीबों के घर में लगी, मुसलमानों के घर में रही, मोदी जी के साथ हो गए। उज्ज्वला मिला, मोदी जी के साथ हो गए। किसान सम्मान निधि मिला, मोदी जी के साथ होकर। मैं तो कह रहा हूँ सबसे ज्यादा अगर 5 लाख रुपए जो दवा का मिलता है वो हमारे मुसलमान भाइयों को मिला। और आप 10 तरह की योजना चलाएंगे, वो 10 तरह की योजना शायद जावेद साहब को पसंद नहीं आए, विपक्ष को पसंद नहीं आए, लेकिन जो बार बार एक पॉइंट उठाया जा रहा है स्कॉलरशिप का, वो बजट का, उस बारे में जरा बता दीजिए ना। देखिए दरअसल इनको, दरअसल ये लोग क्या है ना, गिलास भरी कितनी है इसको नहीं देखते हैं, गिलास खाली कितनी है उसको देखते हैं। हमने एक सर्वे कराया कि वास्तविक जो मदरसे हैं वो चले और गैर वास्तविक मदरसे ना चले। आज उस्ताद योजना सबसे ज्यादा वो मुस्लिम भाइयों के लिए दिया गया है। उस्ताद योजना किसके लिए है, 5 करोड़ लोगों को स्कॉलरशिप किसको दी जा रहा है, मुसलमानों को लिए दिया जा रहा है। अच्छा। मुसलमान बेटियां जो ग्रेजुएशन तक फ्री में शिक्षा लेंगी, उनकी शादी के लिए 2 लाख रुपए दिए जा रहे, कौन दे रहा है, ये अच्छा। मोदी सरकार दे रही है। और सुनिए हिमांशु, कौन कौन सी योजना, मैं उसकी भी लिस्ट मंगवा लेता हूँ। और अलीगढ़, अच्छा ठीक है, आप मेरे को एक बार सबसे बात कर दीजिए, एक बार सबसे बात कर दीजिए। शादी प्रज्ञा अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर किसके लिए बन रहा, इसलिए मैंने कहा एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए, हमने विकास को साध लिया, इसलिए सब हमारे साथ। साध्वी प्रज्ञा जी, तुष्टिकरण को साध, साध्वी प्रज्ञा जी, इसलिए इनके साथ जो ये कहा जाता था अभी तक सेट एक माइंडसेट बना के ये लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता था कि जो मुस्लिम वोट बैंक होता है वो मोदी को नहीं मिलता है या फिर बीजेपी एनडीए को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं और आंकड़े आते भी रहे हैं जिसमें देखा है कि वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। अब तस्वीरें भी आ रही हैं जो खुलकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो मौलाना है या फिर जो मुस्लिम तबके के लोग हैं वो बोल रहे हैं, समर्थन में बात कर रहे हैं। क्या बदलाव आया और ये बदलाव क्या 24 में इंपैक्ट डालेगा? देखिए हिमांशु जी, ये तो बदलाव पूरा भारत देख रहा है और मुस्लिम लोग भी हैं जो चाहते हैं कि विकास हो, राष्ट्र के अंदर प्रगति हो, क्योंकि जब राष्ट्र की प्रगति होगी, राष्ट्र का विकास होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिसी से उनको भी बेनिफिट होगा। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो कट्टरता के नाम पर हमारे जो युवा हैं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखिए हम लोग करने पर मजबूर हो जाते हैं, वो हमारे युवाओं को रेडिकलाइज करते हैं, उनके माइंडसेट को भ्रमित कर देते हैं। लेकिन अभी आपने देखा, आप लगातार टाइम्स नाउ नवभारत के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम मोदी जी को अपने वोट देंगे, क्योंकि बात अब विकास की है, प्रगति की है। अभी आप देखिए भारत में इतना सकारात्मक वातावरण बना हुआ है, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो उसके बाद आपने देखा होगा कितने सारे मुस्लिम लोग भी राम मंदिर के दर्शनों के लिए गए। हाँ। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, इनको अब समझ में आना चाहिए कि अगर अब भी नहीं सुधरे तो 24 के बाद तो इनको जवाब मिल ही जाएगा। 24 में तो पक्का मुस्लिम वोट भी मिलने वाले हैं, और अगर अब भी नहीं समझे हिमांशु जी तो आप बताइए मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना होगा। साथ ही पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी, मुसलमान नहीं है, कितना मुसलमान नहीं हुआ, एयरपोर्ट मिला है अलीगढ़ में मुसलमान। देखिए देखिए ना, जगनाथ जी इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए सिंह साहब थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट सिंह साहब, ये जवाब साध्वी प्रज्ञा से था वो जवाब दे देंगी, ये जवाब साध्वी प्रज्ञा से था वो दे देंगी, एक मिनट रुकिए ना सिंह साहब, एक मिनट रुकिए, सबके विकास की बात। हाँ सिंह साहब एक मिनट रुकिए, बीच में बोलने का कार्य करते हैं, सबका विकास तो सबको बोलने का मौका, एक मिनट रुकिए, सबका विकास, सबके विकास में सबको बोलने का मौका भी आता है। सिंह साहब थोड़ा सा रुकिए,
थोड़ा सा रुकिए सिंह साहब। हाँ, हिमांशु जी देखिए, मैं ये कह रही हूँ, जब्बाद साहब इतने बौखला क्यों रहे हैं? बात तो डेवलपमेंट की है, बात प्रगति की है, बात राष्ट्र विकास की है। यहाँ पर अगर कोई चाहता है कि राष्ट्र विकास देना चाहता है उस सरकार को जो विकास कर रही है, जो भी सब है, वाय दिस हिंदू मुस्लिम ऑल द टाइम, बंटवारा तो आप कर रही है देश का, हिंदू मुस्लिम के नाम पर पहले विभाजित हुआ आपने देश को, दोबारा विभाजित करेंगे क्या जवाब साहब? हर बार यही हर पॉलिटिक्स के ऊपर उठ जाइए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को मत बांटिए जवाब साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।